वे कौन से स्पॉट पे लगा दिया हमने टेंट। यहाँ तो दुनिया आ रही है सुबह से, भाई साहब इतनी कार बाइक आ चुकी है। अरे ये हमारे भाई लोग, ये कल मिले थे हमें, भाई लोग ने भी कैंपिंग करी यहाँ पे। भाई लोग कुल्लू से हैं लेकिन नाम अभी तक नहीं पता भाई लोगों के। विक्रांत, हिमालय, हिमालय, ओ माय गॉड, चिराग, चिराग। चौथे भाई का है? वो जस वो गया है लेक तक। अच्छा, कल रात को भाई लोग ने मिलके कैंपिंग करी थी, सही सीन हुआ था भाई। अब बस यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे हैं और हो गई ऑलमोस्ट पैकिंग। मौसम हो गया थोड़ा सही, थोड़ी देर पहले बहुत हो रही थी धूप, सामान बांधना चालू, अब चल रहे हैं आगे। फाइनली हमने पैकिंग कर लिया कंप्लीट और हम निकल गए हैं पैंगोंग लेक के लिए, जो कुछ कदम दूर है। वो स्कूटर एक था, यहाँ 50 हैं, आगे भी मतलब ऐसे छोटे छोटे स्पॉट हर जगह हैं। और ये 3 पड़ रखे हैं पता नहीं किसके, कटे हुए ड्रम भाई, भरे हुए होते हैं यार, उसमें नहाते हैं। वो देखो यहाँ सही लग रहा है यार, लेकिन यहाँ पे ना कैंपिंग अलाउड नहीं है इस स्पॉट पे, जो है जहाँ पे हमने किया था, हमने किया बहुत दूर पीछे, थोड़ा सेफ रहता है और पुलिस आर्मी कुछ नहीं कहती है, वरना थोड़ा आगे लगाओगे जितना मज़ा लेना चाहोगे उतना मज़ा पुलिस ले जाएगी। यह आ गई लोकेशन, यहाँ करो ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल, जहाँ पर ना तो सिगरेट हो, तोहफा कबूल करो। वो लोग आ गए थे। कुछ रहा तो नहीं, लड़के कह रहे हैं पैंगोंग से ज़्यादा मज़ा तो रास्ते में आया, इससे बड़े यहीं कैंप लगाते, और ये चारों तरफ से कवर्ड भी है पहाड़ों से, तो यहाँ मतलब हवा ज़्यादा तेज़ नहीं लगती, आराम से स्टे कर सकते हैं। बट अभी तो हम पैंगोंग घूम चुके हैं और घर जाने की तैयारी चल रही है, घर जाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है आप सबका। अब देखते हैं कब तक पहुँचेंगे घर। पैंगोंग लेक में आया किसी को भी मज़ा नहीं, उससे ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पर, पता नहीं क्यों। वहाँ पे बस ठंडी हवा चल रही है, घास अच्छी है, फायदे वाली चल रही है, गर्मी नहीं है, सही भी है, पानी भी है, घास देखने वाली ठंडी नहीं चल रही, सामने बर्फ़ के पहाड़ दिख रहे हैं भाई साहब। रात ऐसा हुआ कि तेज़ हवा चल रही थी कि हम तो टेंट से बाहर नहीं निकला जा रहा, और सुबह को इतनी तेज़ धूप थी कि हम तो टेंट से बाहर नहीं निकला जा रहा। हाँ क्या Thank you.
3 और हम कर रहे हैं राइड। ओ भाई हम पहुंच गए हाई पास पे। भाई साहब कितना ठंडा होगा यहाँ पे इस टाइम। माइनस में होगा भाई। माइनस में? ओ भाई फील हो रहा है बिल्कुल। बहुत टाइम हो गया अब व्लॉग इसलिए शूट नहीं किया क्योंकि फिर राइड पे ध्यान नहीं रहता और हमें जल्दी कवर करना था, हमें कैंप भी लगाना अभी और ऑलरेडी 3 बज रहे। कैसे वो पजामे पहनने पड़ने, ठंड लग रही है। गांव बच गया बेड पे तक नहीं जा रहा। और ये हम वादियों में, इतने मेहनती बच्चे आ रहे हैं। अजीम भाई अभी रेनकोट में, ठंड लग रही हुई है रेनकोट तो काम। और जो भाई लगा रहा है सेलो टेप, भाई का हैप्पी बर्थडे है। हां सब हो गया ना, अंदर हवा भी नहीं आ रही। अबे तू अंदर लेटा ये अंदर में ले गया अरे अभी चलो जी आ गए हाथ तो टायर ही खा लेंगे प्याजू। ये लसन होता है लसन है जितने खा लेंगे छोरे। ओ जैसे क्या हाल है ओ जैसे आधे शर्मा है कहां ओ जैसे आधे शर्मा है एक बात मुझे बनी है बंडी तो के पाप पर तो सिर्फ यहां थी किचन। ये अपनी देसी किचन बेडरूम, ये रहा हमारा और लाइट लगी हुई है बेडरूम। ये रहे तुषार भैया, बाहर निकल सकते हैं बेडरूम से बाहर निकल बाहर बैठे हैं फील ले रहे हैं, मुंह में से धुआं निकाल रहे हैं। क्या ले रहे हैं? कुछ नहीं बेटा। फॉलो करें, लाइक करो, कमेंट भी कर रही लो यार।